वहीं जम्मू कश्मीर के गांधरबल में रविवार को हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस आतंकी घटना से लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों का हिसाब होगा। बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को यह हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए, कम है। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए।